आप और मैं इंसान है और हम इंसान से गलती होती रहती है। हम काफी बार गलती से फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देते हैं और बाद में आता है कि भाई ये कैसे डिलीट हो गई, अब इसको वापस कैसे लाया जाए। तो भाई पुराने से पुराने फोटोज वीडियोस छोड़ो, आप कॉन्टेक्ट्स मैसेजेस वगैरह कुछ भी आपके फोन से डिलीट हो जाता ना तो आप इजिली रिकवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ फोटोज ले रहा हूँ और देखते हैं ये फोटोज हमारे रिकवर होंगे या फिर नहीं। तो मैंने ये दो फोटोज लिए हैं और अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट कर दिया मैंने, ये भी डिलीट कर दिया, एक ये पहले से मेरी वीडियो डली हुई है, ये भी डिलीट कर दिया। अब मेरे फोन में एक भी फोटो नहीं है, सारे फोटोज मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर टेनोर शेयर का अल्ट डेटा नंबर 1 एंड्रॉइड डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ये विदाउट रूट काम करता है, कुछ भी रूट करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप के जो है कुछ सेलेक्टिवली जो है ना चीज़ें रिकवर कर सकते हो गूगल ड्राइव के थ्रू, व्हाट्सएप बिजनेस की चैट्स हुई, बाकी फोटोज वीडियोस कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मतलब आपके एंड्रॉयड में जितना भी डेटा होता है ना वो आराम से रिकवर कर सकते हो। फ्री में डाउनलोड मैं इसको कर लेता हूँ, इसके अलावा इसको मैं यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर फीचर्स देख सकते हो ये कहाँ कहाँ आपके काम आ सकता है, और सभी एंड्रॉयड फ़ोन ये सपोर्ट करता है, 6000 से ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइसेस ये सपोर्ट करता है। अब देखो इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। उससे पहले मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन को उसकी ओरिजिनल केबल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहा है तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, इसको अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है कि मैं अपना व्हाट्सअप डेटा को रिकवर कर सकता हूँ, अपने गूगल ड्राइव का डेटा रिकवर कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप की चैट्स, मतलब यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है उसको भी रिकवर कर सकता हूँ, अपना लॉस्ट डेटा को भी रिकवर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस के डेटा को भी और वी चैट के भी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है मेनली आपको अगर यहाँ पर व्हाट्सएप के डेटा के इंटरफेस दिखाऊँ तो किस तरह से है, ये दिखा रहा है कनेक्शन सक्सेसफुली है। यहाँ पर स्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि व्हाट्सएप पर जाना, चैट बैकअप को जाना और इसको जो है नेवर पर करके एक बार बैकअप कर देना, ये सारे स्टेप्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब आप ये चीज़ कर लो तो उसके बाद आपको ये ओके करना होगा। फिलहाल जो है मैं ये चीज़ नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लेना। फिलहाल मैं आपको आपके फ़ोन का डेटा रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या क्या रिकवर करना है, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो यहाँ पर मैं फिलहाल जो है आपको फ़ोटोज़ रिकवर करके दिखाता हूँ, और इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट ऑल करके सारी चीज़ें भी एक बार में रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कुछ परमिशन वगैरह देनी थी, और यहाँ पर मैंने फ़ोन में भी परमिशन दे दी और ये पीसी में भी कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको भी अलाउ कर देता है। इसके बाद जो है ये थोड़ा टाइम लगाएगा और मेरे जो फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन उसमें भी इनकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो यहाँ पर आ रहा है स्कैन कम्प्लीट हो चुका है, और भाई यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरी रिकवर हो चुकी है। यहाँ पर जो है ना वैसे जो एप्लीकेशन अपने आप ही आइकन्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो सारे फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी देखो यार मैंने आपके सामने ये दो फोटोज़ क्लिक करे थे और इनको मैंने डिलीट कर दिया था, और यहाँ पर मुझे रिकवर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं इनको यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ, रिकवर टू पीसी करूँ तो यहाँ पर जो है दिखा रहा है कि मैं फ़ोटो को एनहेंस भी कर सकता हूँ, उनकी क्वालिटी भी बढ़ा सकता हूँ, तो ये ऑप्शन भी मिलता है। फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ और इसको मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर्स में और रिकवर कर लेता हूँ। अब ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर खुल चुका है और यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये दिखा रहा है फ़ोटो, तो यहाँ पर मेरे ये फ़ोटोज़ दिखा रहा है। और बाकी यहाँ पर रिकवर गूगल ड्राइव डेटा पर जाऊँ तो यहाँ पर जो है आपको अपने गूगल ड्राइव से लॉग इन करना होगा, उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा आपके गूगल ड्राइव से डेटा रिकवर करने में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो है इसमें ऑप्शंस मिल जाता है अपने डेटा को रिकवर करने के लिए, और इसमें लोकल अकाउंट से भी लॉग इन करने का भी ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप ब्राउज़र के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी आपको व्हाट्सएप चैट रिकवर करने के लिए, डेटा को रिकवर करने में और गूगल ड्राइव से रिकवर करने में। तो यार ये ट्रिक कैसी लगी नीचे कमेंट में बता देना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो अपने मैक में या फिर विंडोज में। इसी तरह की और भी काफी सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई विंडोज वालों को बड़ी विंडोज वाले